जहां एक तरफ हिंदुस्तान के क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्रिप्टो बैन होने का, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रे स्केल की तो उसने 52,000 से भी ज्यादा इथेरियम्स पिछले 24 घंटे के अंदर खरीदे हैं। अगर आप नहीं जानते तो ग्रे स्केल एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट मैनेजर है, जिसके अगर हम ओवरऑल टोटल क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें से 80% बिटकॉइंस हैं, जो अकाउंट करते हैं करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइंस। पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि बिटकॉइंस का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो $48,500 से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन जो क्रिप्टो एनालिस्ट के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि इथेरियम का प्राइस $2,000 क्रॉस करेगा 14 फरवरी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि अभी $1,900 भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो इसका कारण यह भी है कि जो इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी क्रिप्टो करेंसीज में, मेनली इथेरियम में जिसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई है, उसमें से यहाँ पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो इस साल की जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आने वाली वो है इथेरियम में, क्योंकि इथेरियम $20,000 क्रॉस करने वाला है इस साल के एंड में। इस वक्त बहुत डाइवर्स सिचुएशन चल रही है पूरे क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि अगर हम बात करें लाइटकॉइन की तो लाइटकॉइन का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रे स्केल ने 36,987 लाइटकॉइन्स भी परचेज किए हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे बिटकॉइन कैश, जिसका प्राइस बहुत लो चल रहा था पिछले हफ्ते, लेकिन अभी ये करीब $700 क्रॉस कर चुका है। और इसका कारण ये कि kim.com ने लॉन्च किया है whybitcoincash.com, एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर बिटकॉइन कैश के सभी बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है और उसकी एज क्या है बिटकॉइन के ऊपर, वो सब कुछ बताया गया है। तो हम बोल सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह ही है, जैसे कि टेस्ला के सीईओ ने बिटकॉइन अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा, उसी तरीके से यहाँ whybitcoincash.com एक वेबसाइट आई। और इसी के साथ एक और चीज़ देखने को मिल रही है, जो है मास्टर कार्ड, जल्द ही आने वाला है। मास्टर कार्ड अभी सपोर्ट करना शुरू कर देगा डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को, और ये सब कुछ आपको इसी साल देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के लिए अभी सबसे नेगेटिव न्यूज़ ये है कि अभी ये क्रिप्टो करेंसीज बैन होने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो ब्लॉकचेन को ओनली फॉर सर्च बेसिस पर यूज़ करे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेंगी। इसका मुख्य कारण यही है कि गवर्नमेंट यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रही है ब्लॉकचेन को, या फिर क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट्स को, या फिर उनके बढ़ते हुए प्राइसेस को, क्योंकि गवर्नमेंट को आम आदमी अमीर होता हुआ अच्छा नहीं लगता। आज की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज या जहाँ आपको एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है या फिर एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल रही है, थोड़े ही समय में एक अच्छे परसेंटेज मिल रही है। वहीं अगर आप कमोडिटीज़ में परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सभी क्रिप्टो करेंसीज में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं और अगर ये बैन लग जाता है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लिक्विडेट कर पाएंगे या फिर उनको आप सेल करके अपने बैंक्स में अमाउंट ले पाएंगे या नहीं, ये सभी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार गवर्नमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, जहां न्यू लेजिस्लेशन क्रिएट किया जाएगा जो गवर्न करेगा बिटकॉइन और ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को। अगर हम कुछ लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, जैसे कि वजीरएक्स, यूनोकॉइन और कॉइन डीसीएक्स, जो इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से हैं, वहाँ 60 लाख से लेकर 1 करोड़ क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं, और इनके अगर हम ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया बनता है। तो अभी आपके पास कुछ ही ऑप्शन हैं, जिनमें है सेल्फ कस्टडी वॉलेट, या फिर आप ट्रांसफर करें, या फिर इन टोकन्स को सेल करके अपनी पोजीशन एग्जिट कर लें। तो दोस्तों, इन तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बैन लगेगा तब भी आपको यहाँ 3 से 6 महीने दिए जाएंगे इनको लिक्विडेट करने का। लेकिन अगर इंस्टेंट बैन भी होता है तब भी आपके पास अभी इस वक्त ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकते हैं। एक अच्छी खबर आपके लिए ये भी है कि यहाँ आपको अपनी क्रिप्टो करेंसीज को डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि नोटबंदी की तरह ये नहीं रहने वाला कि रातों रात क्रिप्टो करेंसी बंद हो गया और उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही। यहाँ आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपनी जितनी भी क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उनको मूव कर दें सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी है, जिसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक डिवाइस चाहिए, यूएसबी ड्राइव हो, चाहे माइक्रो एसडी कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो, वहाँ आप अपने जो भी प्राइवेट बिटकॉइन की है या फिर वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट का की है उसको वहाँ स्टोर कर सकते हैं। आप हार्डवेयर वॉलेट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लेजर ले सकते हैं, ट्रेजर, एक्सोडस, बिटलॉक्स। इसी के साथ कुछ ऑनलाइन सेल्फ कस्टडी वॉलेट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जो आपको मिल जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, इलेक्ट्रम और मेटामास्क, ऐसे बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे वॉलेट में, और अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर हैं, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और पूरी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज के द्वारा ट्रैक करी जा सकती है। हालांकि ब्लॉकचेन सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन फिर भी आपकी कंट्री के एक्सचेंज के ऊपर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वहाँ आपकी आइडेंटिटी पूरी रिवील हो जाती है और अथॉरिटीज़ के पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा कुछ भी पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं रहता या फिर पूरा के पूरा एनोनिमस नहीं रहता। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जितनी भी क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रेंड्स या फैमिलीज को ओवरसीज में। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो सभी की सभी होल्डिंग्स चली जाएंगी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास, लेकिन आपके पास यहाँ ओनरशिप अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
लेकिन इसी के साथ एक और जरूरी बात यह है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर होगा जिनको आप सेंड करेंगे उनको टैक्स पे करना पड़ सकता है इन क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करने पर या फिर इनको लिक्विडेट करने पर। तीसरा ऑप्शन है वो है सबसे आसान ऑप्शन जो अभी बैन से पहले आप कर सकते हैं, वो है सेल एंड एग्जिट, यानी कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं या शॉर्ट करके आप अपने जितना भी अमाउंट बनता है उनको लिक्विडेट करके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। पिछले कुछ समय में बिटकॉइंस और ऐसी बहुत सी ऑल्ट कॉइन जिनका प्राइस बढ़ रहा था, ऐसे स्पेकुलेशन के साथ बहुत से लोगों ने एक अच्छी इनकम कमा ली है। लेकिन अभी मौका आ गया है कि या तो आप इनको लिक्विडेट करके अपने बैंक अकाउंट में डाल लें या फिर ये कम्प्लीटली बैन हो जाएगा और इसको आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन इस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि ऑल्ट कॉइंस बहुत ज़्यादा प्राइस में बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि बिटकॉइंस का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस कारण सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं स्पेकुलेटिव मोटिव से, वो अपनी इनकम कमा रहे हैं। और पूरे फरवरी में जब से ये डिस्कशन चल रही है क्रिप्टो बैन की, तब से यहाँ विड्रॉल्स इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं वो पॉजिटिव इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी, इसको उसी तरीके से एडमिट किया जाएगा। हालांकि आप भी जानते हैं कि अभी जो फाइनल बिल है प्रपोजल है वो सामने नहीं आया है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमें रेडी रहना चाहिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस के साथ कि अगर बैन होता है या फिर आपको लिक्विडेट करने का टाइम मिलता है तो आप उस समय क्या कर सकते हैं जल्द से जल्द। लेकिन आपकी क्या राय इसके बारे में कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आपको ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ ला के देते रहें। धन्यवाद।